नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक एचपी का था बैटरी है, ठीक है, देख सकते हो सील भी लगा हुआ है। तो एचपी का बैटरी था और इसे आया है रिपेयर करने के लिए एक्चुअली। तो देखेंगे इसमें इशू क्या है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया, बस ओपन कर रहा था और ओपन करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा रुकना सही से समझा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसका ग्राउंड देखेंगे कहाँ से है, यहाँ पे है, बाकी के इस पे जगह पे कितना वोल्टेज आ रहा है बाकी के पॉइंट पे, तो चेक कर लेते हैं। थ्री पॉइंट प्रॉपर आ रहा है भाई, सही है। 7.2 यहाँ पे कुछ 11 या 12 वोल्ट के आसपास तक आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 11 वोल्ट भी आ रहा है। तो भाई वोल्टेज जितना चाहिए उतना पूरा आ रहा है, तो एक बार के लिए सारी बैटरियों को चेक करेंगे फिर भी इसी तरीके से, ठीक है, एक बार के लिए सारी बैटरी को चेक करेंगे। 3.7 ठीक है, चल जाएगा। 1 बैटरी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है इस पे, नहीं इस पे नहीं आ रहा है करंट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे चेक कर लेंगे, 3.7 आ रहा है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 3.7 आ रहा है, मतलब 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, बट एक पे नहीं आ रहा है, बाकी सभी पे आ रहा है। तो इसे फ़िलहाल हटा रहा हूँ मैं, देखो बैटरी खोलना थोड़ा मुश्किल का रहता है क्योंकि काफ़ी संभाल के तोड़ना पड़ता है, फिर भी तो मैंने तो काफ़ी फिर भी संभाला है, पर फिर भी इसकी कंडीशन देख सकते हो काफ़ी ख़राब है। अब इसे ओपन जैसे किया उतना ही पैक करने में भी उतना ही मगजमारी है, पर एनीवे अगर एडजस्ट करेंगे तो हो जाता है वो, ठीक है। देखो मैं इसे निकालने के पहले 10 बार चेक कर ले रहा हूँ भाई, वो सही है सच में, गड़बड़ है सच में, तो क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हो इस तरीके से तो संभाल के करिए, ठीक है। तो ये है बैटरी, ठीक है, इसे निकालना है तो सबसे पहले इसे हटा दूँगा, ठीक है। कनेक्शन में सारे देख रहा हूँ कहाँ कहाँ से कनेक्शन कैसे गए हैं, उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो पहले एक प्लायर लूँगा छोटा सा इस तरीके से, इससे पहले हटा दूँगा ऐसे पकड़ के, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद है यहाँ पे भी है, इसे मैं इस तरीके से हटा दूंगा, ओके। और अब इसे एक बार चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो कोई भी वोल्टेज इस पे नहीं आ रहा है, ओके, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसके बदले अब दूसरा हमको सेल लाना होगा, पर 3.5 ओम के मतलब कैसे है, और मुँह में याद भी नहीं आता जल्दी फटाफट। तो ये मैंने दूसरे बैटरी से निकाला, ठीक है, बनाया था एक बार पर बना नहीं था। तो इस तरीके से बैटरी मैंने निकाली, इसकी वैल्यू 3.5 तो नहीं है बट हाँ
3 वोल्ट है, 3 वोल्ट के आसपास तक आता है, तो ये चल जाएगा। ओके ये देखें 2.91, तो मतलब इतना चल जाएगा ये, ठीक है। 3.5 वोल्ट रहता तो और अच्छा होता। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि देख लेते हैं, अगर ये हट जाए तो अच्छी बात है। 1 मिनट, फिलहाल के लिए इसको हटा रहे हैं। और इस पर शोल्डर बैठ जाए अच्छे से, तो इसके लिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस करने होंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये बैठेगा। तो ये इस तरीके से मैंने एक रेडी कर दिया, ठीक है, सेल डाल दिया है। और अब एक बार वोल्टेज इसका देख लेंगे, जख्मी है देख सकते हो, तो दूसरी जगह से निकाला है मैंने। यहाँ पे आता है अभी 3 पॉइंट, उतना ही आ रहा है। यहाँ पे चेंज हुआ है 6.75, ठीक है। यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा था, 6.75 आ गया। यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 14 वोल्ट, मतलब वोल्टेज सब में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो रियल मायने में शायद अब ये रेडी हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, छोटा वीडियो था और उम्मीद है जब ये सभी को अच्छा लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, बैटरी का जहाँ से माइनस होता है आगे प्लस रहता है, फिर प्लस के आगे ही माइनस लगता है, उसके आगे प्लस रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सब में रहता है, तो मैंने काफ़ी संभाल के किया हुआ है भाई, ताकि ये चल जाए। तो वीडियो का कैसा लगा कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।